भाई तेरे पास दो ऑप्शन है, एक इधर और एक इधर। इधर जाएगा तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, केम छो, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त और चैनल का दोस्त आपका स्वागत करता हूँ आज की फ्रेश और न्यू वीडियो में। सो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं अनबॉक्स करूँगा क्लास 11th की केमिस्ट्री की ऑल इन वन CBSE की बुक। तो गाइज इसका प्राइस देख लेते हैं, ये मुझे अराउंड 394 रुपीज़ की पड़ जाती है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। सो गाइज देख लेते हैं कैसे कुछ ये बुक निकलती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एस चांद प्रेफर करते हैं, तो मैंने ये मंगाई है CBSE की अरिहंत पब्लिकेशन की ऑल इन वन। तो देख लेते हैं कैसा कुछ इसका बुक कंटेंट रहता है, कैसा कुछ इसका स्टडी मटेरियल रहता है। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 100, प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द अनबॉक्सिंग। अब कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट अनबॉक्स, हमारी बुक का हम अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे चाकू से। सो जैसे कि पहले सबसे पहले इसका कॉस्ट देख लेते हैं, ये एक्चुअल प्राइस जो मुझे इसका पड़ा है वो है 395 रुपीज़। एक्चुअल कॉस्ट जो होती है इनकी थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर आप इन्हीं बुक्स को गाइज अगर आप रिटेल स्टोर से ख़रीदें तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, इसीलिए आप प्रेफर करिएगा फ्लिपकार्ट या अमेजन से बाय करना। ये तो मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से। तो ये रही हमारी बुक, देख लेते हैं अंदर कुछ मिल जाता है नहीं मिल जाता है। अंदर ऐसा सब कुछ खाली है, रख देते हैं उसे साइड में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिनिशिंग के साथ में आई है गाइज ये बुक, केमिस्ट्री की मैंने बुक मंगाई है क्लास 11th की, थ्योरी पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। सो गाइज अब बढ़ते हैं बिल की तरफ। यहाँ पर लिखा गया ऑल इन वन केमिस्ट्री क्लास 11 और इसका जो कॉस्ट है 395 रुपीज़ है। बढ़ते हैं इसके एक्चुअल कॉस्ट की तरफ, तो आपको कॉस्ट में डिफरेंट मिल ही जाएगा। ये 510 रुपये की है, 395 रुपीज़ की है, तो अच्छा खासा हमें इसमें डिस्काउंट मिल गया गाइज। अब बढ़ते हैं बुक की तरफ, बुक के फ्रंट पेज पर आते हैं। तो बुक का सच सही क्वालिटी में है, बस यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पढ़ने के लिए चाहिए थे, हमने मंगा ली। ऑल इन वन यहाँ पर लिखा गया कंप्लीट स्टडी कंप्लीट प्रैक्टिस कंप्लीट असेसमेंट CBSE 2020-21 के लिए है ये केमिस्ट्री क्लास 11। इसमें आपको कंप्लीट NCERT थ्योरी मिल जाती है और सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं गाइज। साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अरिहंत का लोगो है, ऑल इन वन केमिस्ट्री क्लास 11 लिखा गया है, नीचे एक ऋषि मुनि जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर पीछे देख लेते हैं, मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर फिजिक्स की बुक क्लास 11th की अनबॉक्स की है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लास 10th की भी काफ़ी सारी मैंने बुक्स अनबॉक्स करी हैं, क्लास 7, 8, 9, तो आप उनको जाकर के आई बटन में डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डाल दूंगा गाइस, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये अरिहंत प्रकाशन की तरफ से आती है। सबसे पहले बुक की तरफ, तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑथर कौन है बुक के। ऑथर यहाँ पर हैं प्रीति गुप्ता, इनकी इस बुक की ऑथर हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे इसके कंटेंट। तो कंटेंट जैसे बुक में आपको मिल जाते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो पहले वाला मैं आपको दिखा देता हूं गाइस। ये रहा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आपको पहले थ्योरी पार्ट मिलेगा, थ्योरी पार्ट बहुत ही अंडरस्टैंडेबल मैनर में मिल जाता है, आप एक बार के लिए रीड आउट कर सकते हैं इसको, ताकि आपको, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस ऐसा कुछ है, सेकंड पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये बुक कैसी है। बहुत ही अच्छी बुक लगी गाइज मुझे ये, इसमें सारा NCERT पार्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में टॉपिक प्रैक्टिस मिल जाता है, देन आपको अलग अलग टाइप से इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं और टॉपिक टू मिल जाता है। टॉपिक वाइज इसको फिर आपको क्वेश्चंस दिए गए, टॉपिक टू का प्रैक्टिस सेट हो गया। एंड देन आगे अगर आप बढ़ते हैं तो इसमें लास्ट में आपको इस चैप्टर के लास्ट में आपको समरी मिल जाती है, देख जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अंडरस्टैंडेबल मैनर में समरी दी गई है। उसके बाद आपका चैप्टर टू शुरू हो जाता है गाइस, उससे पहले आपको चैप्टर प्रैक्टिस मिलेगी जो भी कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसकी डायग्राम और सब कुछ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके आगे बढ़ते हैं तो इस बुक के आखिर में आपको 5 सैंपल पेपर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है हमारे पेपर के लिए, नए पैटर्न पर बेस्ड हैं। सो गाइस ऐसे कुछ ये बुक है। सो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन जय हिंद वंदे मातरम।